हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही यूनिक सी भी रेसिपी लेकर के आई हूँ। और ये रेसिपी है सहजन के फूल यानी ड्रम स्टिक जो होता है, उसी का जो फूल होता है उसी की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये देखिए, जैसे कि आप देख सकते हो, एक डाल में कितने सारे फूल हैं, इतने सारे फूल हैं कि डाल अपने आप टूट के गिर जाता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग तो जानते होंगे कि सहजन के जो फूल होते हैं उसकी भी बहुत सारी रेसिपी होती है। तो मैं आप लोगों के साथ दो रेसिपी शेयर करूंगी इस फूल की। तो चलिए, वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए कि इस रेसिपी को मैंने कैसे बनाया है। और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो फिर वीडियो में बने रहिए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, मैं एक एक करके फूल सबको मैं इकट्ठा कर लेती हूँ तोड़ के। तो ये देखिए, मैंने सारे फूल को डाल से अलग कर लिया है और ये देखिए इतने सारे फूल हुए हैं। फूल के साथ साथ इसमें बहुत सारी कली मतलब कोढ़ी भी है जो कि नहीं खुला है, वो भी मैंने यहाँ पे ले लिया है। और इधर मैंने बॉईल होने के लिए पानी रख दिया है। तो पानी में उबाल आने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल दिया है। नमक हल्दी डालकर मैं इस फूल को थोड़ी देर के लिए उबाल लूँगी ताकि जो है इसके अंदर जो कड़वापन रहता है वो ख़त्म हो जाए। मतलब इस फूल को थोड़ा सा उबाल कर ही बनाना चाहिए। तो मैंने इस तरह से उबाल लिया है। मैंने थोड़ी देर के लिए फूल को उबाल लिया था और मैं इस तरह से छान लेती हूँ इसको। इस तरह से छिद्र वाले पतीले में मैं इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी ताकि इसका पानी जो है सारा गल जाए। तो फ्रेंड्स, पहली रेसिपी मेरी इस फूल की पकौड़ी की है। तो मैंने थोड़ा सा बेसन ले लिया है और उसमें मैंने इस तरह से प्याज कट करके डाल दिया है, हरी मिर्ची डाल दिया है और नमक हल्दी, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, उसके बाद जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और रेड चिली पाउडर, सब चीज़ डाल के मैं अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लूँगी। और उसके बाद यहाँ पर मैं जो हूँ वो फूल जो मैंने उबाला है सहजन का, वो मैं थोड़ा सा डाल दूँगी। और पानी डालते हुए मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हो, तेल मेरा गर्म हो चुका है। तो मैं यहाँ पर एक एक करके पकौड़ी डाल दूंगी और पकौड़ियों को तल लूंगी। Thank you.
तो फ्रेंड्स पहली रेसिपी मेरी पकौड़े की बन चुकी है। तो दूसरी रेसिपी के लिए मैंने उसी कढ़ाई में तेल को थोड़ा सा कम कर लिया है, क्योंकि पकौड़ी बनाने के टाइम में मैंने थोड़ा सा ज़्यादा तेल यूज़ किया था। तो तेल थोड़ा सा मैंने निकाल लिया है और उसी कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तड़के के लिए जीरा और सूखी मिर्च डाला, उसके बाद प्याज और हरी मिर्ची। थोड़ी देर फ्राई करने के बाद प्याज और हरी मिर्ची को मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है इसमें। और अदरक लहसुन डालने के बाद थोड़ी देर के बाद मैंने इसमें एक एक करके सारे सूखे मसाले, जैसे हल्दी पाउडर, नमक, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और रेड चिली पाउडर, सूखी लाल मिर्च का पाउडर, सारा डाल के मैं अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लूँगी। मसालों को अच्छी तरह से भूनने के बाद यहाँ पर मैंने सहजन और सहजन का फूल जो उबाला था वो मैं यहाँ पे सारा डाल दूँगी, और उस मसालों के साथ मैं इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करूँगी। थोड़ी देर के लिए मतलब इसको, इसका पानी जब तक ना सूख जाए इसको फ्राई करना है। जैसा आप लोगों को अच्छा लगे वैसे आप इसको रख सकते हो, लेकिन ये है कि इसका जो पानी जितना सुखाएंगे उतना ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो इसमें मैंने थोड़ा सा चीनी भी ऐड किया है, क्योंकि इस फूल में हल्का कड़वापन रहता है, तो इस कड़वेपन को ये दूर करता है और इसका जो है टेस्ट अच्छा आता है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा चीनी इसमें ऐड कर दिया है। आप लोग चाहो तो ऐड कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। तो ये देखिए इस तरह से मेरी ये रेसिपी बनकर तैयार है। इधर मैंने पकौड़ों को सर्व कर दिया है और इधर मैं गरम गरम फूल देखो इस तरह से मैंने सर्व कर दिया है। तो इस फूल को आप रोटी के साथ, पराठों के साथ, दाल चावल के साथ भी खा सकते हो। और तो फिर आप लोग भी बनाइए और खाइए। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।